और कहा है नंद बाबा को लाड़लो करता है ऐसे काम, काम करे खुद साबरो और हम हो बे बदनाम। तो सखिया यशोदा मैया के दरबार में पहुंची और बोली मैया तेरे लल्ला ने बहुत परेशान कर रखा है। बोले क्या किया? बोलो सुन मैया, हर मुरली ऑटो पे लगाई ऐसी तान सुनाई और मेरा मुश्किल कर दिया जीना। अरे बड़ा सितम कीना तेरे लल्ला ने, बड़ा सितम कीना। अरे तेरे मुश्किल कर दिया जीना, है बड़ा सितम कीना तेरे लल्ला ने, बड़ा सितम कीना। ये उसे हमारे बिट्टू रघुवंशी जी राम खरे वालों की ओर से सौ रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और अरे जसोदारी है ए बड़ा सितम कीना तेरे लल्ला ने, बड़ा सितम कीना तेरे लल्ला ने, मुरली ऑटो पे लगाई ऐसी तान सुनाई, मुरली ऑटो पे लगाई ऐसी तान सुनाई, मेरा मुश्किल कर दिया जीना, वो बड़ा सितम कीना तेरे लल्ला ने, बड़ा सितम कीना अरे तेरे गयो ऐसे आंखों में काजल हो जैसे, और ये बहुत बड़ा पुरस्कार है मेरे लिए। हमारे बुंदेलखंड की जानी पहचानी हस्ती, बहुत ही अच्छे कलाकार है हमारे बलवीर राजपूत, हमारे उस्ताद की ओर से सौ रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरे मन में बस गयो ऐसे आंखों में काजल हो आदरणीय मनोज कुमार शिक्षक ग्राम ककरिया वालों की ओर से, ककरिया आपकी ओर से सौ रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरे मन में बस गयो ऐसे आंखों का काजल हो जैसे, आंखों का काजल हो जैसे, ऐसी नेह लगाई के दई
बिसराई और याद आवे जब तिरछी नजरिया याद आवे जब तिरछी नजरिया तेरा है की परसन लागी बदरिया तेरा है की परसन लागी बदरिया। हाँ हाँ रमेश भैया याद आवे राधी बदरिया तेरा है की परसन लागी बदरिया। और अब जाऊं किधर कोई सूझे ना डगर अब जाऊं किधर कोई सूझे ना डगर शाम आए नजर कहीं ना बड़ा सितम किया और आदरणीय हमारे गुरु महाराज मनोज कुमार हमारे शर्मा जी खरे वाले बहुत ही अच्छे गायक कलाकार हैं सभी जानते हैं महाराज जी को आपकी ओर से सर्वे का पुरस्कार प्राप्त हुआ है बहुत बहुत धन्यवाद। तेरे लल्ला मैंने बड़ा सुपर तेरे लल्ला मैंने तेरे लल्ला मैंने बड़ा सुख में कीना अरे तेरे बुहार में